गाइस, आज मैं तिल और मूंगफली का लड्डू बनाने वाली हूँ। मैं इस कटोरे से 2 कटोरा मैं सफ़ेद तिल लूँगी और ये मूंगफली मैं 1 कटोरा लूँगी और मैं 1 कटोरा गुड़ लूँगी। इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। मैं गैस में मैं पैन को चढ़ा देती हूँ और पैन को गर्म होने देती हूँ। मैं पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तिल को डाल करके भून लेती हूँ। मैं हल्का भून लेती हूँ। देखिए गैस, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे पैन से निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन पर। अब मैं बादाम को मूँगफली को भून लेती हूँ मैं, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका छिलका भी आसानी से निकल जाए। मूंगफली भून चुका है, अब मैं इसे दूसरे बर्तन पर निकाल लेती हूँ। इसे ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसका छिलका को मैं उतार लेती हूँ। मैंने तिल और बादाम को दरदरा पीस लिया है। अब मैं गैस में पैन को चढ़ा देती हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ। पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल लेती हूँ और इसे मैं मेल्ट होने देती हूँ। घी मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें गुड़ को डाल लेती हूँ और इसे मैं मेल्ट होने देती हूँ। मैं देखिए गाइस, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। सर्दियों के दिन में गुड़ खाना बहुत ही लाभदायक होता है और तिल और बादाम भी हमारे शरीर को गर्म रखता है। ये गुड़ अब रेडी होने वाला है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं। गुड़ रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें तिल और बादाम का बुरादा को मैं डाल लेती हूँ और इसे मेल्ट कर देती हूँ। इसी तरह मैं जल्दी जल्दी सब को मैं मिला लेती हूँ और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। मैं तिल और बादाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हल्का ठंडा होने के बाद मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। देखिए गैस, ये अब हल्का ठंडा हो गया है। इसे मैं अब इसे गोल शेप में लड्डू का शेप दे दूंगी। इसी तरह सभी को मैं बना लेती हूँ। देखिए गैस, ये तिल और मूंगफली का लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये शरीर को गर्मी प्रदान करता है और इसमें आयरन भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। हमारा ये तिल और मूंगफली का लड्डू की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी ज़रूर इस ठंड के मौसम में बना के खाइए। हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।